हेलो फ्रेंड, कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें गलत दिखे तो उसे कह देना चाहिए, लेकिन अगर सभी जगह गलत दिखे तो अपने अंदर झांक लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसी सोच के होते हैं, वो अगर किसी की शादी में अगर जाएंगे तो कहेंगे कि यार वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, यार डीजे अच्छा नहीं था, लाइट अच्छी नहीं थी, यार कभी कहेंगे बीजेपी गलत है, कभी कहेंगे कांग्रेस गलत है, ये पार्टी गलत है, सरकार गलत है। वो लोग ऐसे होते हैं, अगर तुम उनको सोना ले जाकर भी दे दो ना तो वो कहेंगे ये क्या दे दिया, सोना दे दिया, इसका क्या करूँगा मैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों के चक्कर में आप भी मत पड़ना। क्यों? क्योंकि उनका तो क्या है, काम एक ही है, लोगों की बुराई करना, और वो अपना काम बखूबी करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन अपना काम है उनकी बातों को इग्नोर करना। इसीलिए उनकी बातों को कभी बुरा मत मानना। ये लोग अपने आप को कभी गलत बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि हम गलत हैं। सक्सेसफुल लोगों की अगर आदत देखोगे तो उन्होंने अकेले ने ही इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है चलना अकेला ही है। और आपने कभी देखा है कि कुछ लोग झुंड में जाकर सफल हो गए? झुंड में कोई सफल नहीं होता। इसीलिए अकेले चलने की आदत डाल दो। सक्सेसफुल लोगों को हर जगह पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। आपने अभी देखा होगा, करोड़ों के कपड़ों के शोरूम भरे के भरे रह गए, और एक छोटा सा मार्क्स, 2 रुपए का मार्क्स करोड़ों का टर्नओवर कर लिया उसने, इसी कोरोना काल में। अब किसी को लगता है कि कोरोना काल है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब फालतू बातें। जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं उनको पॉसिबिलिटी दिखाई देती है हर जगह, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे अपनी राय कमेंट में लिखकर दे सकते हो, ताकि मैं उसका और अच्छी तरीके से सुधार कर सकूं। जय हिंद, धन्यवाद।